हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ बोर्नियो का पार्ट टू। देखिए, पहले से ही मैंने बोर्नियो ओपन कर रखा है। हम लोग आ जाते हैं अपने पार्ट टू में, मोबाइल फोन कंटेंट में। देखिए, यहाँ पे कंटेंट लोड कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस जगह पे, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कंटेंट लोड हो चुका है। हम लोग आ जाते हैं मोबाइल सॉल्यूशन पे और अपना एक ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे शाओमी, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं रेडमी का 5A, जिसमें कि हमको सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए, जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं कि इस पहले वाले ऑप्शन में हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मेन एंड सब। मेन का मतलब हो गया हमारा मेन मदरबोर्ड, सब का मतलब हो गया हमारा सब बोर्ड। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इस वीडियो में आपको केवल ये बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और इसका इस्तेमाल कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, ये तो हो गया हमारा बिट मैप मेन बोर्ड का। सेकंड ऑन कर लेते हैं। देखिए, ये बिट मैप हो गया हमारा नीचे के सब बोर्ड का। हालांकि ये जो सब बोर्ड का बिट मैप है, सभी मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है। इस मॉडल में अवेलेबल है तो मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाते हैं मेन बोर्ड की तरफ अपने, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ये मेन बोर्ड पे बिट मैप पे हैं, बिट मैप का काम ये है, किसी भी सप्लाई के पॉइंट से आपको क्लिक करना है और उससे ये आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लाई हमारी जा कहाँ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पॉइंट हमारा वीबस का है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सप्लाई हमारी जा कहाँ रही है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये वाले सप्लाई जो है हमारी, यहाँ से इस कंपोनेंट पे होते हुए और ये बी टू बे जैक के इन पिंस से होते हुए आपका डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर, इन कैपेसिटर पे, ठीक है। यहाँ पर ये कैपेसिटर और रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं ओवीपी आईसी के अंदर। ये चीज़ें आप जान सकते हैं बिट मैप के अंदर, ठीक है। तो ये तो जानकारी हो गई बिट मैप की। पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायोडा वैल्यू, ठीक है। या आप इसको डायोड कह सकते हो। अब कनेक्टर और आईसी, ठीक है। कनेक्टर्स का मतलब आप ये समझ सकते हो, जितने भी हमारे इसमें कनेक्टर लगे हैं, बी टू बैक कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, ठीक है, जितने भी कनेक्टर्स हैं। तो पहले कनेक्टर्स को देख लेते हैं एक बार। आप अगर चाहें तो जो साइड का पोर्शन दिख रहा है, इसको हाइड हाइड भी कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बैटरी कनेक्टर से। तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोग आ गए बैटरी कनेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि बैटरी कनेक्टर में आपके चार पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा ग्राउंड हो गया, सेकेंड वाला पॉइंट हमारा थर्मल का है, थर्ड पॉइंट हमारा बैटरी कनेक्टर आईडी की लाइन है, और फोर्थ कनेक्टर हमारा वी बैट का है। वी बैट मतलब वोल्टेज की लाइन। इस लाइन में कितने आपके जीआर आएंगे, जीआर आप बोल सकते हो ग्राउंड रेजिस्टेंस। ग्राउंड रेजिस्टेंस में तो आप जीआर चेक करने के लिए रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब से अगर आप वहां पर चेक करेंगे मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करके, तो ये रीडिंग आनी चाहिए। ये रीडिंग अगर आपकी आ रही है तो इससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आपके कनेक्टर पे वैल्यू सही आ रही है, ये ओके है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये साइड में हमारा लगा हुआ है डिस्प्ले कनेक्टर, तो नीचे हमारी डेटा की लाइन है, ऊपर हमारी वोल्टेजेस की लाइनें हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें चेक, सॉरी, ऊपर हमारी डेटा की लाइनें हैं, नीचे हमारी वोल्टेजेस की लाइनें हैं, ठीक है। ये चीज़ें चेक कर सकते हो यहाँ पे डायोड वैल्यू कितनी आएगी। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप देखिए, जैसे कि ये लाइन हमारी वीबस की है, तो देखिए यहाँ पे जीआर इतना आएगा 389, ठीक है। स्पीकर आउट माइनस, स्पीकर आउट प्लस, इसमें जीआर कितना आएगा, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो डायोड वैल्यू वाले में, ठीक है। उसी तरीके हम लोग आईसी वाले को देख लेते हैं एक बार। ये आगे हम लोग आईसी वाले पे, इसमें देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो डायोड वैल्यू आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये सानवा एक मल्टीमीटर का ब्रांड है, सानवा CD800A ये ब्रांड है। किसी अदर ब्रांड के मल्टीमीटर से आप चेक करते हो तो वैल्यू आपकी अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग आईसी पे देख लेते हैं। देखिए, चार्जिंग आईसी की पिंस पे कौन सी पिन किस काम की है और उस पर क्या वोल्टेजेस आएगा, इसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप आईसी को हटा देते हैं और फिर इस जगह पे वोल्टेज चेक करेंगे तो वो उस चीज़ की जानकारी आपको देगा। या आप ये मान सकते हो आईसी मैंने नहीं हटाई है,
बाहर से आप स्क्रीन पे चेक करोगे तो आप उसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। उसी तरीके नेक्स्ट हम लोग पावर आईसी के पास देख लेते हैं, किस बॉल पे कितने जीआर आने चाहिए वो आपको जानकारी देगा, प्लस उस पैड की वैल्यू आपको बता देगा कि ये पैड हमारा है किस काम का, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा थर्मल की लाइन है 0.0 OL, ठीक है, इसको आप ओपन लाइन कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा सीपीयू का हो गया, इसी तरीके से आप डिटेल्स ले सकते हो, डायोड वैल्यू, ठीक है, MMC की ले सकते हो, WTR की हो गई, 4G PFO हो गई और 2G 3G PFO हो गई। ये हो गई हमारी डायोड वैल्यू IC ऑन बोर्ड, ठीक है। IC ऑन बोर्ड का मतलब बोर्ड पे लगने के बाद उस पर GR कितने होने चाहिए, ये GR है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डायोड का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या, पहले हम लोग ये टैब्स बंद कर लेते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन हम उसको कह सकते हैं कि हार्डवेयर का सॉल्यूशन, मतलब कि किसी भी चीज़ को रिपेयर करने के लिए उसका सॉल्यूशन, हमको इंस्टेंट सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हो। संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, ये एक तरीके से आप जम्पर समझ सकते हो करने के लिए, जैसे कैमरा हो गया, चार्जर हो गया, ठीक है, फ्रंट कैमरा हो गया, हैंड फ्री, LCD लाइट, इस तरीके से आपको अलग अलग सेक्शन इसमें से देखने को मिलेंगे। और एक सेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉम्प नेम। कॉम्प नेम में आप जाएंगे तो यहाँ पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि हमारे मदरबोर्ड पे जो ICयां लगी हुई हैं उनका नंबर क्या है या वो IC किस चीज़ की है। कॉम्प नेम में आप ये देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैक कैमरा हो गया, चार्जिंग डेटा हो गया, कंपोनेंट नेम हो गया, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, LCD लाइट्स, इस तरीके से सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको इस तरीके के सेक्शंस देखने को मिलेंगे तो आप सेक्शन बाय सेक्शन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी आईसी का क्या नाम है, ठीक है, उसका नंबर क्या है या उसका नोज पॉइंट किस तरफ को है, तो आप कंपोनेंट नेम के अंदर जाकर देख सकते हैं। देखिए ये आपका कंपोनेंट नेम ओपन हो गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी पावर आईसी लगी, इसका कंपोनेंट नेम आप देखना चाहें तो ये देखिए पावर आईसी का कंपोनेंट नेम हो गया, ठीक है, ये आपका नोज पॉइंट हो गया। इसी तरीके हम CPU में भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप डिटेल्स चेक कर सकते हो सभी आईसी की, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे चार्जिंग डाटा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आप चार्जिंग की सारी लाइनें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे चार्जिंग लाइनों के नाम दिए हुए हैं, VBUS, VBAT, USB, PM, DM मतलब डाटा माइनस, DP मतलब डाटा प्लस, बैटरी का थर्मल, बैटरी की ID लाइन। चार्जिंग के लिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं, कौन सी लाइन हमारी कहाँ पर जा रही है। जैसे कि आपके यहाँ पे VBUS नहीं आ रहा है तो नीचे आप चार्जिंग कनेक्टर से यहाँ जम्पर दे सकते हैं। अगर इस जगह पे VBUS नहीं आ रहा है तो आप इस जगह से उठाकर यहाँ पर जम्पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सीरियसली आपको लाइन के बारे में बताया जा रहा है कि आप कहाँ पर जम्पर कर दें, एक तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल, तो इसको ओपन कर लेते हैं, जिसमें कि आपका स्कीमेटिक हो गया और लेआउट हो गया। स्कीमेटिक का मतलब ये हो गया मदरबोर्ड में जितनी हमारी आईसी लगी हुई है सबकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको स्कीमेटिक के अंदर देखने को मिलेगी। लेआउट ये हो गया कि आपकी आईसी जहां पर लगी हुई है उसको कैसे ढूंढेंगे स्कीमेटिक के अंदर उसकी डिटेल्स। तो हम लोग ये ओपन कर लेते हैं, पहले वाले टैब को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा लेआउट ओपन हो गया है, दूसरा ये हमारा स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। देखिए ये दोनों ही चीज़ें हमारी ओपन हो गई हैं, कुछ देर के लिए इसको हाइड कर लेते हैं इस ऑप्शन से, ठीक है। अब अगर आप जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ देखेंगे जस्ट इसके पास जाएंगे तो आपको वक्त लगेगा, तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ से कंबाइन बटन पर क्लिक करिए, ये आ गया आपका लेआउट, वापस जाइए स्कीमेटिक में और दोबारा क्लिक करिए कंबाइन बटन पर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही चीज़ें अगल बगल आ गई हैं, अब आपको यहाँ पे वर्क करने में काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे कि इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी काम करने पे, और इसको जूम कर लेता हूँ। अब जैसे स्कीमेटिक में आपको जानना है कि हमारा ये कैपेसिटर कहाँ पर लगा है, तो मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गया आप कैपेसिटर पे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सिम ट्रॉली है, ठीक है, इसके बगल में यहाँ पर एक ये मॉस्फेट लगा हुआ, देखिए लिखा हुआ क्यू, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हम लोग मॉस्फेट पे आ गए। इसकी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, गेट, सोर्स, ड्रेन, ठीक है। और जैसे कि हमारी ये पावर आईसी लगी, इसकी डिटेल्स जाननी है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ गए। अगर आप चाहते हैं कि पूरी आईसी की डिटेल्स और इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आपको इंस्टीट्यूट में आके कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैटरी कनेक्टर की डिटेल चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये आप जैक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको पूरी तरीके से रीडिंग करने के लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वापस हमको साइड का वो मेन्यू ओपन करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए, मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा स्मार्ट बोर्ड, पहले हम पहले वाले टैब्स को बंद कर देते हैं।
ये स्मार्ट बोर्ड को ओपन किया, आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो बिट मैप का अपग्रेड वर्जन। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग बिट मैप पे चेक करते थे कि कौन सी लाइन हमारी कहाँ गई है, तो इसमें देखिए आपको तुरंत के तुरंत बता देगा। देखिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किस कंपोनेंट की लाइन हमारी किस से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखिए कि टीपीआई ये किससे कनेक्टेड है, इतनी लाइनों से कनेक्टेड है। ठीक है, ये सभी आप डिटेल चेक कर सकते हो कौन सी पिन किससे कनेक्टेड है। उसी तरीके आप देख सकते हो सीपीयू और एमएमसी के बीच में ये वाला हमारी लाइन, ये देखिए इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो, बक कॉइल्स की टेस्टिंग कर सकते हो। देखिए इधर का सिरा इस साइड से जुड़ा हुआ है और ये दूसरा टर्मिनल आपका सीपीयू से प्लस, और भी देख लेते हैं कहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे लगे हुए कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से आप सारी डिटेल्स ले सकते हो स्मार्ट बोर्ड में। ठीक है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो बिट मैप का अपग्रेड वर्जन। अब हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस में थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मतलब कि आपके मदरबोर्ड पे कहाँ पर लगा हुआ है थर्मल रजिस्टर, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आपके टेम्परेचर से रिलेटेड इशू आते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारा ओपन हो गया है। देखिए इस बोर्ड में हमारे दो थर्मल रजिस्टर लगे हुए हैं, एक ही हमारा 4G IC के पास और दूसरा डिस्प्ले कनेक्टर के पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप थर्मल रजिस्टर्स को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वोल्टेजेस। वोल्टेजेस मतलब इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, मतलब कहाँ पे कितने वोल्टेजेस आएंगे उसकी जानकारी। जैसे कि पावर आईसी के पास हम लोग आ गए, ये आपको एलडीओ वोल्टेजेस के बारे में बताएगा, किस कैपेसिटर पे कितने वोल्टेजेस आएंगे। जैसे देखिए वीरेग L21 इस पे आएंगे 1.8, ये वीरेग L10 2.8। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पे एक कैपेसिटर है वीरेग 1.2 की लाइन है, ये DVDD है मतलब डिजिटल वोल्टेज है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे है आपका वीरेग S7 1.8, वीरेग S1 1.225। इस तरीके से आप वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं। देखिए चार्जिंग आईसी के पास लगे हुए कैपेसिटर आपका यहाँ पर VPH आएगा, यहाँ पर VBAT आएगा। ठीक है, देखिए UIM मतलब ये सिम का वोल्टेज यहाँ से चलेगा। ठीक है, जो मेन वोल्टेज आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखिए वीरेग S4 2.05। ये डिटेल्स हो गई आपकी इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो देखने को मिलेगा आगे के जो ये पॉइंट्स हैं इनका क्या यूज है और इनको कैसे यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरीके की वीडियोज के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, आने वाले वक्त में और वीडियोज के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।